जी रॉबर्ट ओपेनहाइमर भले ही एक नोबेल प्राइज ना जीते हों, पर उन्हें दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया को इस तरीके से बदल दिया जो कि एक नोबेल प्राइज विजेता भी नहीं कर पाता। उन्हीं के अंडर 20th सेंचुरी में कई बेस्ट साइंटिस्ट ने मिलकर एटॉमिक बम बनाया था जिसने पूरे वॉर के हिस्ट्री को बदल दिया। इन्हीं के वजह से आज पूरी दुनिया वॉर से डरती है, क्योंकि जो World War II में हुआ उसके बाद वॉर का नजरिया पूरे तरीके से चेंज हो गया। तो ये बात है तब की, जब ओपेनहाइमर सिर्फ 21 साल के थे, तब उन्होंने एक एप्पल को अपने फिजिक्स टीचर पैट्रिक ब्लैकेट के डेस्क पर रख दिया था, और कहा जाता है कि उस एप्पल में साइनाइड या फिर कुछ पॉइजनस केमिकल मिलाया गया था। और ये कोई अफवाह नहीं है, क्योंकि खुद ओपेनहाइमर ने भी ये कन्फर्म किया था कि उस एप्पल में पॉइजन मिला था। लेकिन लकीली ब्लैकेट ने उस एप्पल को नहीं खाया, पर इस चीज़ की खबर जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज़ को पता चला, तब उन लोगों ने ओपेनहाइमर के पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि उस पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाएंगे। बट ओपेनहाइमर की माँ जूलियस ओपेनहाइमर ने जैसे तैसे अथॉरिटीज़ को मना लिया कि उसके बेटे को माफ़ कर दिया जाए, तो इसीलिए उसे यूनिवर्सिटी से नहीं निकाला गया। पर अभी आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर ओपेनहाइमर ने अपने ही फिजिक्स टीचर को मारने की कोशिश क्यों की। तो उनके जो फिजिक्स टीचर थे ब्लैकेट, उन्होंने ओपेनहाइमर को लेबोरेटरी में बेरिलियम की थिन फिल्म्स को बनाने के लिए कहा था, जिससे कि इलेक्ट्रॉन की स्टडी की जा सकती थी। लेकिन ओपेनहाइमर को यह अच्छा नहीं लगता था, वो इसमें अच्छे नहीं थे, और ऊपर से पूरे दिन लेबोरेटरी में अंदर रहना बिल्कुल ही उन्हें पसंद नहीं था। वो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करना जितना हो सके अवॉइड करते जा रहे थे, और लेक्चर सुनना और फिजिक्स जर्नल को पढ़ने में ही टाइम बिताते थे। उन्होंने तब के समय ये भी लिखा था कि उनका अभी बहुत खराब समय चल रहा है और लैब में काम करना बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, और वो इसमें बहुत ज्यादा खराब है। उन्हें लगता है कि वो यहाँ रहकर कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। इन्हीं सब की वजह से ओपेनहाइमर ने अपने जो फिजिक्स टीचर था ब्लैकेट, उन्हें पॉइजनस एप्पल खिलाने की कोशिश की थी। इस अटेम्प्ट की वजह से ओपेनहाइमर को साइकेट्रिस्ट के पास भी रेगुलर सेशंस के लिए भेजा गया। फिर 1926 में ओपेनहाइमर ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को छोड़कर यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन में मैक्स बॉर्न के अंडर पढ़ने का फैसला किया। बॉर्न के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही अच्छे टीचर थे, और 2 साल पहले उन्होंने क्वांटम मैकेनिज्म के टर्म को दुनिया के सामने लाया। और जहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पर ज्यादा जोर देता था, वहीं गोटिंगन यूनिवर्सिटी में थ्योरेटिकल फिजिक्स पर जोर दिया जाता था। इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद ओपेनहाइमर को वार्नर हाइसेनबर्ग, पास्कल जॉर्डन, वुल्फगैंग पॉली, पॉल डिराक, एनरिको फर्मी और एडवर्ड टेलर मिले, जो कि एकदम ही ओपेनहाइमर जैसे ही थे। मैक्स बॉर्न के अंडर पढ़ने की वजह से ओपेनहाइमर की जो मेंटल हेल्थ थी वो भी बहुत अच्छा हुआ, और उनके आसपास जो भी लोग थे वो सभी फिजिक्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उन्हीं की तरह एकदम। और यहाँ पर ओपेनहाइमर के टैलेंट को भी अपनी पहचान मिली। इनके बारे में मैक्स बॉर्न ने भी लिखा था कि ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट टैलेंट एंड ही वॉज कॉन्शियस ऑफ हिज सुपेरियोरिटी इन अ वे विच वॉज एम्ब्रेसिंग एंड लेड टू ट्रबल। जब ओपेनहाइमर 23 के हुए तो उन्होंने फिजिक्स में PhD कर लिया। उन्होंने अपने थीसिस में जर्मन में क्वांटम थ्योरी ऑफ कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा के बारे में लिखा। उन्होंने गेटिंगन में सिर्फ 2 साल तक रहकर दर्जनों पेपर्स पब्लिश किए। इनमें से कई सारे वार्नर हाइसेनबर्ग के काम का एक्सपेंडेड वर्जन था। वार्नर हाइसेनबर्ग ओपेनहाइमर से सिर्फ 3 साल ही बड़े थे, और फाइनली दोनों 1927 में एक दूसरे से मिले। और उसी साल वार्नर ने अपना ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर पब्लिश किया था, जो कि था क्वांटम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। दोनों जब मिले तो उन लोगों ने बहुत देर तक आपस में बात किया था, बट इन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ठीक 15 साल बाद इन दोनों के बीच फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जंग छिड़ जाएगी। जहां ओपेनहाइमर USA के लिए बॉम्ब बनाते, वहीं हाइसेनबर्ग नाजी जर्मनी के लिए। उस समय सबको लगता था कि रेडियो एक्टिव एटम से बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लेना इम्पॉसिबल है। 1890 में जब हेनरी बैक्वेरल, पियर क्यूरी और मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की, तब के समय से सबको लगता था कि रेडियो एक्टिविटी एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और अनस्टेबल एटम्स बस रैंडमली किसी भी समय डीके हो जाएंगे, और किसी को कोई आइडिया नहीं था कि इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। तो 1932 में न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, जो कि एक प्रोटोन से 0.1% हैवियर था, और इसमें कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं था, इसलिए एक न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस से रिपेल्ड नहीं होगा। 29 जनवरी 1939 में एक यंग फिजिसिस्ट लुइस एल्वारेज अपना बाल कटा रहे थे और साथ साथ न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, द सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल नाम का, और अचानक से वो चेयर से उठे और आधे कटे बाल में ही वो ओपेनहाइमर के ऑफिस के तरफ भाग गए। लुइस ने आर्टिकल में पढ़ा था कि कैसे 2 जर्मन केमिस्ट
ऑटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन ने एक यूरेनियम के एटम को न्यूट्रॉन से सक्सेसफुली स्प्लिट कर दिया है। और जब ओपेनहाइमर ने यह सुना तो उन्हें बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ। उनके लिए ये इम्पॉसिबल था क्योंकि उन्होंने ब्लैकबोर्ड पर मैथमेटिकली प्रूव किया था कि फिजन कभी हो ही नहीं सकता है। पर अगले दिन एल्वरेज ने आर्टिकल में जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा हुआ था उसे फिर से रिपीट करके देखा, और इसे देखने के लिए एल्वरेज ने ओपेनहाइमर को भी इनवाइट किया था। इसके बारे में एल्वरेज कहते थे कि इन लेस देन 15 मिनट्स ही नॉट ओनली एग्रीड दैट द रिएक्शन वॉज ऑथेंटिक बट ऑल्सो स्पेक्यूलेट दैट इन द प्रोसेस एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स वुड बॉयल ऑफ दैट कुड बी यूज टू स्प्लिट मोर यूरेनियम एटम्स एंड देयर बाय जनरेट पावर और मेक बॉम्ब्स। तो जब यूरेनियम 235 का एक सिंगल एटम स्प्लिट होता है तो ये बहुत ही छोटे अमाउंट में अपना मास खो देता है जो कि एनर्जी के रूप में रिलीज होता है। जल्द ही सभी को ये मान चुके थे कि एटम को स्प्लिट करना मुमकिन है। फिर 1939 में आइंस्टाइन, जो कि खुद 6 साल पहले ये बिलीव ही नहीं करते थे कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना पॉसिबल है, उन्होंने खुद प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक लेटर में अपना साइन करके भेजा था जो कि जिलार्ड वॉन रूजवेल्ट ने लिखा था। उस लेटर में लिखा गया था कि जर्मनी ने जैकोस्लोविया के माइन से यूरेनियम खोज निकाला है जिसे नाजीज ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। ये देखकर रूजवेल्ट ने एक यूरेनियम कमेटी बिठाया इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए, बट 2 सालों तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर 1941 में रूजवेल्ट ने यूरेनियम कमेटी को अपग्रेड करके S1 कमेटी बना दिया जिसका मकसद था एक एटॉमिक बॉम्ब बनाना। और मई 1942 में ओपेनहाइमर को इस कमेटी में हायर किया गया कोऑर्डिनेटर ऑफ रैपिड रप्चर बनने के लिए। तो आखिर ओपेनहाइमर को ये क्यों चुना गया? तो PhD कंप्लीट करने के 15 साल बाद ओपेनहाइमर ने न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फील्ड थ्योरी और एस्ट्रोफिजिक्स इन सब भी पर अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। ओपेनहाइमर 3 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी हुए थे बट 1 बार भी उन्होंने नोबेल प्राइज नहीं जीता था। यहाँ तक कि जो उनके स्टूडेंट थे विलिस लैम्ब, उसने भी एक नोबेल प्राइज जीता था बट ओपेनहाइमर नहीं जीत पाए। 18 सितंबर 1942 की बात है जब जर्नल लीजली ग्रुप्स को मैनहैटन प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया गया। पहले दिन उन्होंने 1200 टन यूरेनियम ओर का ऑर्डर किया था। अगले दिन उन्होंने ओकरिज नाम का एक सिटी खरीद लिया था जहां पे यूरेनियम ओर को रिफाइन किया जाता था। और अगले ही महीने उन्होंने ओपेनहाइमर को साइंस डायरेक्टर बनाने का फैसला लिया लॉस एलमोस नाम के एक लेबोरेटरी का जो कि जल्द ही एस्टेब्लिश होने वाला था। फिर बाद में ओपेनहाइमर को एटॉमिक बॉम्ब का चीफ आर्किटेक्ट भी बना दिया गया। मैनहैटन प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन को ही चुना जाना था बट आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जर्मनी से होने के कारण US आर्मी को शक था कि शायद आइंस्टाइन उनके साथ कोई साजिश चल रहा है, और इसी वजह से ओपेनहाइमर को ही इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को बहुत सीक्रेट रखना था इसीलिए न्यू मैक्सिको में लॉस एलमोस नाम का एक पूरा का पूरा नया शहर बना लिया गया। इस प्रोजेक्ट पर US ने $2 बिलियन खर्च किए थे। इस प्रोजेक्ट के लिए 130,000 वर्कर्स को चुना गया था और सभी की बहुत ही जांच पड़ताल हुई थी तभी उन सभी को चुना गया। इस पूरे प्रोजेक्ट में कई सारे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, टेक्नीशियंस और लोअर स्टाफ शामिल थे। ये प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा सीक्रेट था आप इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हो कि जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे थे उन सभी में से किसी को भी एक दूसरे का रियल नेम नहीं पता था, सबको जाली नाम दिया गया था, और अगर कोई अपना रियल नेम लीक कर देता था तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। हर वर्कर्स के पास एक एंट्री पास होता था और बिना एंट्री पास के किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जाता था, और एग्जिट पास के बगैर बाहर भी जाने नहीं दिया जाता था। जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि यूरेनियम के एक एटम से अगर न्यूट्रॉन टकराता है तो एटम स्प्लिट हो जाता है, तो उसके बाद फिर नए न्यूट्रॉन निकलते हैं और वो दूसरे यूरेनियम के एटम को स्प्लिट करते हैं, और ऐसे ही एक चेन रिएक्शन बन जाता है और इससे बहुत भारी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। अमेरिका इस न्यूक्लियर बॉम्ब को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं नाजीज उससे पहले एटॉमिक बॉम्ब ना बना ले। बट फाइनली 16 जुलाई 1945 को पहला न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार हो गया। इसे 16 जुलाई को ही सुबह 5:29:45 में टेस्ट किया गया। इस न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम गैजेट दिया गया था और इस टेस्ट का कोड नेम था ट्रिनिटी। और जब यह न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो वो 25,000 टन TNT के बराबर था। इस ब्लास्ट को देखकर खुद ओपेनहाइमर और उनके साथ जितने सारे साइंटिस्ट थे वो सभी खुद चौंक गए। ये एक ऐसा हथियार था जिसे इंसान ने खुद को ही बर्बाद करने के लिए बनाया था। इस ब्लास्ट से पूरा न्यू मैक्सिको चमक रहा था। इसका शॉकवेव 160 किलोमीटर दूर तक महसूस किया जा सकता था
और जो ऊपर मशरूम क्लाउड बने थे वो 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ था। ये इतना ज़्यादा गर्म था कि आसपास में जो डिज़र्ट के सैंड थे वो पिघल कर ग्लासी मिनरल बन गया, जिसे ट्रिनिटाइट नाम दिया गया। इस बॉम्ब का इंसानियत पर क्या असर होगा, अमेरिका को खुद इसका कोई आइडिया नहीं था। फिर 6 अगस्त 1945 को बोइंग B-29 फ्लाइंग फोर्ट्रेस ने लिटल बॉय नाम का 64 किलोग्राम भारी भरकम न्यूक्लियर बॉम्ब को हिरोशिमा में गिराया, जिसमें 70,000 लोग मारे गए और बाकी जो 70,000 लोग बचे थे वो सभी इसके रेडिएशन और हीट के वजह से मारे गए। 3 दिन बाद नागासाकी में भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया, जिससे एस्टिमेटेड 80,000 लोगों की जान गई। 6 दिन बाद जापान ने भी अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और वही वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हो गया। इन दोनों ब्लास्ट में 2,25,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से 95% लोग नॉर्मल सिविलियंस थे। इन दोनों ब्लास्ट के बाद 1965 में ट्रिनिटी टेस्ट को याद करते हुए ओपेनहाइमर ने भगवद गीता का एक कोट कहा था। Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. बम से हुए इस तबाही को देखकर ओपेनहाइमर खुद सदमे में चले गए थे। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद ओपेनहाइमर अमेरिका का सबसे इम्पोर्टेंट और सीरियस पर्सन बन चुका था, क्योंकि अमेरिका को डर था कि ओपेनहाइमर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की टेक्निक दूसरे देश को ना दे दे, और इसीलिए ओपेनहाइमर पर अमेरिका की कई एजेंसीज ने नजर रखना शुरू कर दिया। फिर अगस्त 1949 में सोवियत यूनियन ने भी अपना एक फर्स्ट एटॉमिक वेपन टेस्ट किया। इसे देखकर यूएस ने फिर से डिसाइड किया कि वो इससे भी ज्यादा पावरफुल बॉम्ब बनाएगा, और ये था हाइड्रोजन बॉम्ब, जिसे द सुपर नाम दिया गया था। इसे मार्शल आइलैंड में टेस्ट किया गया था, और आप बिलीव नहीं करोगी कि ये ट्रिनिटी टेस्ट से 400 गुना ज्यादा पावरफुल था। इस टेस्ट का कोडनेम था आईवी माइक। फिर 1961 में सोवियत यूनियन ने भी सार बॉम्बा को टेस्ट किया, जो कि अभी तक का सबसे ज्यादा पावरफुल एक्सप्लोजन था। ये आईवी माइक से 5 गुना ज्यादा पावरफुल था, जो कि ट्रिनिटी टेस्ट से लगभग 2000 गुना पावरफुल था। ओपेनहाइमर खुद इन बॉम्ब्स के खिलाफ थे। उन्होंने अमेरिका को और बॉम्ब्स बनाने से मना भी किया था, बट अमेरिका कहां सुनने वाला था। अमेरिका ने ओपेनहाइमर के इस रवैये को देखकर एक सुनवाई बिठाई, जहां इन पर सोवियत का एजेंट होने का आरोप लगाया गया। पर ओपेनहाइमर अपने जवाब पर अड़े रहे कि उनका सोवियत और कम्युनिज्म के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ओपेनहाइमर के खिलाफ कोई एविडेंस ना मिलने के बावजूद भी इनके खिलाफ ही फैसला किया गया, और इनके सिक्योरिटी क्लियरेंस और प्रोजेक्ट के सारे राइट्स उनसे छीन लिए गए। इस फैसले के खिलाफ अल्बर्ट आइंस्टाइन और कई सारे साइंटिस्ट ने मिलकर भी आवाज उठाया, बट इसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर लगभग 7 साल बाद 1961 में जब जॉन एफ कैनेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने ओपेनहाइमर को ऑफर भी दिया था कि वो एक नया फ्री एंड फेयर ट्रिब्यूनल बनाएंगे, जिसे उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस उन्हें वापस फिर से मिल जाएगी, बट ओपेनहाइमर ने इससे इनकार कर दिया था। जॉन कैनेडी जानते थे कि ओपेनहाइमर बेकसूर है, इसीलिए उन्हें अमेरिका का सबसे बड़ा साइंटिफिक अवार्ड भी दिया गया था। पर तब तक बहुत देर हो चुका था, क्योंकि 18 फरवरी 1967 में ओपेनहाइमर की 62 वर्ष की उम्र में ही थ्रोट कैंसर से मौत हो गई, और उनकी एशेस यूएस के एक बीच में बहा दिया गया, जिसे ओपेनहाइमर बीच के नाम से जाना जाने लगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।